इन्होंने वादा, आईटीओ पर पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ा दो उसका केस वापसी करो, दीप सिद्धू ने वहाँ झंडा उतार दिया उसका केस वापसी करो, पार्लियामेंट में जिसने बम फोड़ा उसका केस वापसी करो, 750 किसान जो मरे कह रहे उस पर मुआवजा दो, 750 किसान का डेटा का है। इनसे ये पूछिए कि 12 जो मांग है 13 जो मांग है वो पूरे मांग बताए कौन कौन से मांग ये बीजेपी को एक सेकंड लगाएंगे दिल्ली को सारी तरफ से घेर लेंगे किसान। तुम हमें डराओगे, तुम हमें डराओगे कि तुम्हें घेर लेंगे, ये खड़ा किसान का बेटा लो घेर लो, ये खड़ा किसान का बेटा। जब तक किसानों की एक मांग ये है, जैसे किसान नकली बीज मिलता है फैक्ट्रियों में, नकली बीज देते हैं, नकली वो स्प्रे वाले देते हैं। नेताजी भाषण दे रहे पर मैं पूछ रहा हूँ तेरा मांग कौन सी नहीं बता पा रहे। सब बात छोड़िए, इनसे पूछिए सरसों की एमएसपी क्या चल रही है, सरसों की एमएसपी रेट क्या है। एक कहे कि पूरा दिल्ली वालू घेर लेगा, ये बोले भाई साहब ये पूरा दिल्ली के लोग वहां जाके खड़ा हो जाएगा बॉर्डर पर, ये क्या बात कर रहे हैं। बदल के यही आते हैं जो ये कह रहे हैं, पूरे दिल्ली के लोग दिल्ली को घेर लेंगे। ऐसा मत बोलो, ये लाल किला से दरवाजा उखाड़ के ले गया था, हम उसके वंशज से है जो दिल्ली को कब्जा किया हुआ था अंग्रेज। सुनिए हम भी नहीं, हम भी महाराणा, सुनिए हम नहीं बोलते, हम भी श्री राम के वंशज है जो श्रीलंका में घुसकर मार के आए, हम भी महाराणा प्रताप के वंशज है, हम भी छत्रपति शिवाजी के वंशज है, हम भी राजपूत हैं। किया था केस को उस बच्चों के गलती हो जाती है वो हो जाएगी, कौन सी गलती, यही बात गलती होगी। नहीं नहीं कहाँ पर वादा किया था आपको लग रहा है मांग सही है? वादा किया था वादा, सर मैं बताता हूँ ये कह रहा सर, एक सेकंड बन गया मध्य प्रदेश का, उससे पूछो उसने वादा किया था केस वापस होंगे। मैं बात बता रहा हूँ वादा, मैं बताता हूँ क्या वादा है। आईटीओ पर पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ा दो उसका केस वापसी करो, दीप सिद्धू ने वहां झंडा उतार दिया उसका केस वापसी करो, पार्लियामेंट में जिसने बम फोड़ा उसका केस वापसी करो, 750 किसान जो मरे कह रहे उस पर मुआवजा दो, 750 किसान का डेटा का है। सबसे पहला सवाल ये उठता है सर, मैं एक सेकेंड 80-80 साल के जो बेचारे मतलब काम नहीं कर सकते, उन सिख भाइयों को हमारे पिता के समान उनको लेकर के आ रहे हो, अगर इतने पॉल्यूशन में इतनी समस्या के अंदर उनका निधन हो जाता है ये अफसोसजनक है, मगर आप ये कह रहे हो कि सरकार ने मार दिया, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका आपसे एक सवाल है सर, सर 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 आपसे सवाल है मेरा, एक सेकंड आपसे एक सवाल है मेरा सर, चल रहे हो वहाँ पर किसान आंदोलन में जो बयानबाजी हो रही है, मेरा आपसे सवाल ये है वहाँ जो बयानबाजी, सर एक सेकंड सर 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 एक सेकंड वहाँ जो बयानबाजी हो रही है जितने भी वहाँ पर युवा है, हरियाणा पुलिस कह रही है हम रासुका लगा देंगे क्योंकि युवा एग्रेसिव हो रहे हैं, अगर युवा एग्रेसिव हो रहे हैं तो क्या कोई समझदार नेता नहीं जो आके बोले कि आप आप पे एनएसए लगा देंगे, हम आपकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। हरियाणा पुलिस ये कह रही है कि वहाँ जो किसान है जो बड़े नेता है उन्हें युवाओं को समझाना चाहिए, वो पीछे खड़े हैं और जवानों को रोक नहीं रहे। ये कहा जा रहा है कि भाई जो युवा है उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, उनसे बयानबाजी करवाई जा रही है, जो जवान जो बड़े नेता है वहाँ पे उन्हें समझाना चाहिए उन्हें। आपको लग रहा है कि युवा बिल्कुल बिल्कुल देखो जैसा हम बीज बोएंगे ना जी, जैसा हम बीज बोएंगे वो बच्चे वैसे बोलेंगे, हमें बच्चों को समझाना चाहिए बेटा आप जो है अब कृषि जो है नए टेक्निक लाओ, उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, उसमें काम करो। मोदी जी भी कह रहे हैं करो, मगर ये कहते हैं नहीं भैया हमारा तो कर्ज माफ करो, हमारे फिक्स रेट करो, हमारा ये करो, है ना। मोदी जी ने हाल ही में गुजरात में ये कहा कि भाई एक सेकंड, मोदी जी गुजरात में ही कह रहे हैं आप जो है धान को पकड़ के बैठे हैं, आप कुछ और भी खेती करिए ताकि देश में को भी फायदा हो उसका, ये कह रहे आप एक चीज को पकड़ के बैठे हैं तो पूरा देश अगर वही काम करेगा तो हमारे पास और चीज क्या होगी, हमारा सोर्स भी होना चाहिए, तो किसान है तो देश का भी आप आपको लग रहा है मोदी जी की। भैया मैं गुजरात के ऊपर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता, पूरे देश को लेके कह रहे हैं, पूरे देश को नहीं आप कह रहे गुजरात में कह रहे, गुजरात के बारे में हमें पता नहीं, हमें क्या मालूम है, वहाँ दोनों फसलें जो होती है तंबाकू की फसल होती है वो भी कैश में होती है, कपास भी कैश में होती है, इसमें तो एक एक साल तक तो गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती है। फिर मोदी जी ने सहारनपुर में ये कहा था कि भैया 40 दिन में गन्ने की पेमेंट मिल जाएगी शुगर मिलों से, आज तक तो मिली नहीं, एक एक साल पेमेंट शुगर मिल बरतता यूपी से, ये क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं रायबरेली से हूँ यूपी से, गन्ने किसानों की पेमेंट मिल रही है तो सहारनपुर यूपी में नहीं आता, सहारनपुर यूपी में नहीं आता, सहारनपुर यूपी में नहीं आता, सहारनपुर यूपी में नहीं आता। शुगर मिल की बात करेंगे ना सर, कैसी बात कर रहे हो आप, एक बात बताइए सबसे ज्यादा, अभी गन्ने पे ही बात कर लेता हूँ मैं, सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है,
भारत के अंदर होगा, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। साहब पांच किसानों के नाम बता दीजिए जो कि बैठे हो बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर आकर के कि गन्ने पे एमएसपी बढ़ाओ, क्यों 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 क्यों? उधर वाले भी, इधर वाले भी सारे क्या वो बिल्कुल ये सब राजनीति की देन है। पाकिस्तान भी हमारा है, अफगानिस्तान भी हमारा है, हमारा कल्चर है सब। ये राजनीति की वजह से सारा देश का भट्ठा भगोड़ हो गया। ये पार्टी वाले, ये यूपी, लेकिन जो जो हमारे सामने हो, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान जो इनकी खून है ना, खून ये सब हमारा एक ही खून है। इनकी जो कुश्ती खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, ईरान के खिलाड़ी है, हरियाणा के खिलाड़ी है, सेम कल्चर है। ये है कि इसमें खिलाड़ी कहाँ से आ गए सर? सर मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। किसान जो मांगे कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है जायज मांगे हैं? सारी की सारी मांगे जायज है, सारी की सारी सारी मांग जायज है। केस वापस लेने सारा करता जो दिल्ली में हुआ, जो दिल्ली में हुआ उसमें केस वापस करने की मांग भी जायज है। मेरी बात सुनो, मांग क्या है? मांग जो 700 किसान, जो सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि हम एमएसपी देंगे, वो पहले मीटिंग हुई थी उस बात पे खरा नहीं उतरी सरकार। दूसरी बात, जो हमारे 700 किसान शहीद हुए थे उन पे मुआवजा नहीं दे रही सरकार। और तीसरी बात, लिस्ट है गोली वाले, इनसे ये पूछिए कि 12 जो मांग है, 13 जो मांग है, वो पूरे मांग बताए कौन कौन से मांग। ये बीजेपी वाले जो जेल काट के आए हैं ना, जो 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 काला पानी में जो बोल रहे हैं ना, उसको ये उसको तो ये शहीद बोल रहे हैं। ये मेरी बात सुनो, जो ये भाई भाई एक एक करके देखो, दिल्ली में तो किसान कोई है नहीं। ये भाई दिल्ली घूमने आए हैं, ये भाई दिल्ली घूमने आए हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है ही ना। किसान है ही ना दिल्ली में, है ही ना। किसानों का एक सेकंड लगाएंगे, दिल्ली को सारी तरफ से घेर लेंगे किसान। भाई साहब घेर लोगे, ये नहीं, तुम हमें डराओगे, तुम हमें डराओगे, तुम हमें डराओगे कि तुम्हें घेर लेंगे। ये खड़ा किसान का बेटा, लो घेर लो, ये खड़ा किसान का बेटा। जब तक किसानों की एक मांग ये है, जैसे किसान है, किसान नकली बीज मिलता है फैक्ट्री, वो फैक्ट्रियों में नकली बीज देते हैं, नकली वो स्प्रे वाले देते हैं। हिंदी के पेपर में गणित के जवाब दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं होगा, फेल हो जाएंगे ये। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड सुनिए, हिंदी के पेपर में मुकाबला होगा, हिंदी के पेपर में आप गणित मत लिखिए, हिंदी लिख के आइए तब पास होंगे। अब सुनिए बिल्कुल, ये देश किसानों का है, ये देश जवानों का है। नेताजी भाषण दे रहे, पर मैं पूछ रहा हूँ 13 मांग कौन सी नहीं बता पा रहे। सब बात छोड़िए, इनसे पूछिए सरसों की एमएसपी क्या चल रही है, सरसों की एमएसपी रेट क्या है। ये साहब जाट हैं, हम भी राजपूत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी बात सुनो पहले, आप मेरे को बोलने दो, सुनिए, आप मेरे को टच मत करिए, मैं आपको टच नहीं कर रहा, करिए भी मत, कोशिश भी मत करना। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, साहब साहब खून देने के लिए तैयार हो जाएगा लोग, क्या समझते हैं आप? एक कहेंगे पूरा दिल्ली वालू घेर लेगा, ये बोले भाई साहब, ये पूरा दिल्ली के लोग वहां जाके खड़ा हो जाएगा बॉर्डर पर। ये क्या बात कर रहे हैं, बदल के यही आते हैं जो ये कह रहे हैं, पूरे दिल्ली के लोग दिल्ली को घेर लेंगे। ऐसा मत बोलो, ऐसा भाई साहब मत बोलो, ये बोले कि हम जाट हैं, ऐसा मत बोलो। ये लाल किला से दरवाजा उखाड़ के ले गया था, हम उसके वंशज हैं, जो दिल्ली को कब्जा किया हुआ था अंग्रेज। सुनिए, हम भी नहीं, हम भी महाराणा, सुनिए, हम नहीं बोलते, हम भी श्री राम के वंशज हैं, जो श्रीलंका में घुसकर मार के आए, हम भी महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम भी छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम भी राजपूत हैं। कोई ये मत बोलिए, सबका योगदान है आजादी में। बात यहाँ जाति की नहीं है, बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात यहाँ जाति की नहीं है, आपको आपके वंशज हैं। और मैं जब सरकार, भाई साहब मुद्दे पे बात करो, मैं वही कह रहा हूँ, जब सरकार, आप सुनिए जब सरकार ये कह रही है वार्ता करिए, आप एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? आप जो है वहाँ पर ये बड़े बड़े बुलडोजर लेके आ रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? वापस वहाँ पर नारे भी लग रहे हैं खालिस्तान के, नारे भी लग रहे हैं खालिस्तान के। मैं उसी तहसील से हूँ जहाँ पर ये बॉर्डर लगा हुआ है, खनौरी बॉर्डर, जहाँ किसान की हत्या हुई है,
ये सब दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारे से वो 10 किलोमीटर दूर है जहाँ बॉर्डर। हम किसानों ने अपने अपनी तहसील में धरने दे रखे हैं कि जो मांगे हैं उनको पूरा करें। ये सोशल मीडिया पे जो दिखा रहे हैं, हाँ बोलना, मैं किसी के साथ धक्का नहीं कर रहा, जो अपनी बात है वह रख रहा हूँ। नकली इनको पता नहीं मुद्दा क्या है, किस वजह से क्या हो रखा है, ये सब पता है। बात MSP पे चल रही है कि हरियाणा में तो MSP चल रही है, सारे पांच, इन्होंने बोला कि 5 फसलों पे MSP देंगे। हम इस बात पे अड़े हुए हैं कि जितनी भी फसल है सब पे MSP दो। और सुनिए अभी साहब, एक सेकंड साहब, मालिक हुजूर, अभी कितनी फसलों पर MSP दी जा रही है वो बता दीजिए, कितने पे दी जाए हुजूर बता दीजिए। हरियाणा में तो ज्यादातर फसलों पे MSP है, फिर वो लिखित में नहीं है, वो लिखित में नहीं है, वो लिखित में नहीं है। हरियाणा से, हाँ मैं हरियाणा से। आपको पानी एक बूंद नहीं मिलेगा, ये पंजाब कह रहा है, पंजाब पानी आपको एक बूंद पानी नहीं दे रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट। मैं बताऊँ क्या होता है, ये BJP के एजेंट है जो मुद्दा को भटका देते हैं। एजेंटो गुरुवंश सिंह पन्नू के एजेंट, गुरुवंश सिंह पन्नू वो 2 कौड़ी के खालिस्तानी। मेरे को नंबर दे दे, मेरे को लंगर में सबसे पहले तू बैठा मिलेगा, वो अफ्रीका पिता बढ़ते मिलेंगे सबसे पहले, किस सबसे पहले। और तेरा कुर्ता बिक जाएगा, सुनो तुम्हारा कुर्ता बिक जाएगा लंगर करवाने में, जितना हम डेली मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देते। सुनो तुम्हारा, सुनो एक सेकंड, ये कह रहे ना कि लंगर में, मैं कहता हूँ तुम्हारा कुर्ता बिक जाएगा। कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, किसान नहीं है ये, रे किसान कैमरामैन, कैमरामैन फोकस। मैं क्या कह रहा हूँ, इनका कुर्ता बिक जाएगा, इनका घर बिक जाएगा, जितना मंदिर में भंडारा करो। जो किसान, जो किसान, एक सेकंड सुनवे, जो किसान, एक मिनट कैमरामैन, एक सेकंड भाई, भाई एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड कैमरा, सुनो सुनो भाई साहब, रुक के जाओ, सुन के जाओ, एक देशवासी की बात सुन के जाओ। किसी के मायके न जना हो जिसने असली माँ का दूध पिया हो, दिल्ली घेरने की बात तो दूर, यहाँ एक भी दंगा बोल करके भारत विरोधी नारा बोल के दिखा दे, जवान ने खींच ली साले कुत्ते की। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, और भाड़ में जय खालिस्तान। ये लो भाई साहब, हम भी इस बात पे अड़िग है, खालिस्तान के हम बिल्कुल विरोध में है। नेता जी को यही नहीं पता है कि कितनी MSP दी जाती है, ये नेता बन के आए, जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे, कभी फरसा भी नहीं उठाया होगा, और ये हमसे पूछ रहे कि तुम कहां से आए हो। मैं बताता हूँ, प्रयागराज का लड़का हूँ, प्रयागराज का बेटा हूँ मैं।